तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। दोस्तों आज फिर से हाजिर हो गए आपकी सेवा में लेकर जड़ से मकान। जो लोग दिल्ली में अपना घर लेने का सपना देख रहे हैं दोस्तों, आज उनके लिए मकान अंडर बजट दोस्तों दिखाने वाला हूँ। 50 गज का जो लोग मकान देख रहे हैं कि 50 गज में एक बेहतर सुंदर नक्शे के साथ, अच्छा खासा कार पार्किंग के साथ, गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको घर मिल जाए, तो ये घर आपको दिखा रहा हूँ गेटेड सोसाइटी के अंदर। जी हाँ, दोनों साइड गेट आपको लगे हुए मिलने वाले हैं, प्रॉपर आपकी जो है सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, दोनों साइड गेट मिलेंगे। और 50 गज का हमारा इस रोड पर देखेंगे तो रोड काफ़ी चौड़ी आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, समथिंग 18 फीट की रोड रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पे साइड में कुछ नहीं बना हुआ, तो समथिंग ये 20 फीट की रोड आपको मिल जाती है। ऑन पेपर यहाँ पर 18 फीट की रोड रहने वाली है। ये प्रॉपर्टी 50 गज में कार पार्किंग के साथ रहने वाली है। देखेंगे तो एलिवेशन देखिए, सबसे पहले सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देते रहेंगे। बेहद खूबसूरत टाइल वर्क के साथ आपको जो है इसकी एलिवेशन देखने मिलेगी। हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल का वर्क है इसमें, जिसमें ब्राउन और व्हाइट कलर का शेड आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है, और सारे फास्टनर लगे हुए हैं। प्लस विंडो आपको यहाँ पर फ्रंट के रूम में मिल जाती है, साइड में यहाँ पर बालकनी दिख जाती है जो स्टेयर के साथ रहने वाली है। हाउस का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बिकॉज इसकी जो डायमेंशन है ना वो दोस्तों 18x25 की आपको देखने मिलेगी। 18 फीट का इसका फ्रंट, यानी कि फ्रंट बहुत चौड़ा रहने वाला है, 18x25 और 25 इसकी गहराई रहने वाली है, जिसमें नीचे बड़े साइज की कार पार्किंग आपको देखने मिलेगी। और कॉर्नर की प्रॉपर्टी हमारी एल कॉर्नर की रहने वाली है, या साइड में अभी हमने दीवार बंद करके, बिकॉज क्योंकि पूरी गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, तो आप एक सोसाइटी के अंदर बिल्कुल कवरेज के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। इसमें बड़ी साइज की कार पार्किंग मिलती है, और नीचे वन रूम सेट आपको किचन और बाथरूम के साथ मिलता है, और ऊपर आपको 2 BHK देखने को मिलेगा, जिसमें 2 रूम सेट आपको देखने को मिलेंगे, किचन आपको बड़े साइज का देखने को मिलेगा, बाथरूम आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, और एक लिविंग एरिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाउस बहुत ही खूबसूरत है, रूफ पर टाइल वर्क रहने वाला है, लोकेलिटी अच्छी है, ज्यादा बड़े बड़े फ्लोर यहां पर नहीं बने, प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगी। ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, रजिस्टर्ड है, लोनेबल है, फाइनेंस करवा के ये प्रॉपर्टी आप अपनी दिल्ली एसी प्राइम लोकेशन के अंदर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ले सकते हैं। द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन यहां से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। सारी फैसिलिटी है, हॉस्पिटल्स, बैंक, ATM, जिम, स्कूल, मार्केट, कॉलेज, सब आपके जो है यहाँ पर काफ़ी नियर बाई रहने वाले हैं। दिल्ली रोड का वाटर का कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, सीवरेज यहाँ पर हमने सर जो है सारे डाले हुए हैं दोस्तों, सीवरेज कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, IGL से गैस पाइपलाइन का कनेक्शन, सारी फैसिलिटीज दोस्तों आपको यहाँ पर इस हाउस के अंदर देखने को मिलेगी। मात्र 10, 5, 8, 10, 15, 20 जो भी आपका बजट है दोस्तों लेके आइए, और ये मकान लेके जाइए, क्योंकि इसका जब मैं प्राइस बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर ही बता दूंगा दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, अगर आपने स्किप किया तो ये मकान गारंटी है सबसे सस्ता रहने वाला है। जितने मकान मैंने आपको दिखाए हैं सब 60, 65, 75, 80 लाख तक के दिखाए हैं, लेकिन आज मैं आपको जिनका बजट 50 से 60 लाख के बीच में, उसके बीच में ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, और जब मैं इसका प्राइस बताऊंगा, जी हाँ, तो देखिए ये हाउस आपको पसंद भी आएगा और इस प्राइस के अंदर आप ये हाउस ले भी पाएंगे। चलिए दोस्तों पूरे हाउस का टूर करते हैं। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के लिए लाइक कर देगा, क्योंकि ऐसे हाउसेज में दोस्तों हमेशा आपके लिए लाता नहीं, हमेशा लाता रहूंगा। अंदर चलते हैं और अंदर से ये हाउस कैसा है वो दिखाते हैं। बाहर की एलिवेशन आप देख चुके हैं जैसे मैं बता चुका हूं, तो अब अंदर से ये हाउस दिखाते हैं। उससे पहले एक चीज हम नोट कर लेते हैं कि कार पार्किंग के लिए बाहर तो जगह है ही, क्योंकि यहां से गली ब्लॉक है, आप बाहर भी लगा सकते हो और अंदर पूरी बैठक बना सकते हैं। बाहर आपको मार्बल का रैम मिल जाता है, जिसमें ग्रेनाइट मार्बल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, प्लस एक सिंगल पैड़ी आपको मिल जाएगी दोस्तों, और इस साइड में चौकी बनाई जाएगी दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल न्यूली बिल्ट है, अभी न्यू बन के तैयार हुआ है, इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है अभी। आप इसको जो है विजिट करके अगर आप बुक कर लेते हैं तो ये जो मकान है आपको अंडर बजट मिलेगा, और इसमें कुछ परसेंट डिस्काउंट भी आपको दे देंगे। सामने इसी पोर्शन में आपकी IGL की गैस लाइन आप देख रहे हैं, तो गैस लाइन भी आपकी यहाँ पर लगवा दी गई है दोस्तों। सिलेंडर अगर यूज़ करते हैं सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, गैस पाइपलाइन यहाँ पर लगी हुई है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फैसिलिटी सारी मिलेगी दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर रिहाइश करने में नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर हमने जो है काफ़ी सारे मकान एक साथ बनाए थे, जिसमें एक लास्ट पीस, यानी कि एक लास्ट पीस 18x25 की डायमेंशन में ये वाला मकान बचा हुआ है, इसीलिए ये सबसे पहले हम आपको देंगे और अंडर बजट यानी कि सस्ता मकान देंगे, बाकी सारे मकान सेल हो चुके हैं। अब अंदर चलते हैं, अंदर से हाउस कैसा है वो आपको दिखा देते हैं। गेट भी आप देख लीजिए, गेट भी काफी बड़ा है, और इसमें देखिए कि हम आपको सेंट्रल लॉकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन रहने वाला है, और 2 शटर भी आपको देखने को मिलेंगे, तीसरा शटर ये रहेगा सिंगल एंट्री के लिए। दोनों शटर ओपन करने के बाद गाड़ी अंदर भी पार कर सकते हैं, और वैसे तो बाहर जगह है, बाहर भी पार कर सकते हैं, क्योंकि गली ओपन नहीं रहने वाली है। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर से कैसा हाउस है वो दिखाते हैं आपको। तो अभी आ चुके हैं हम कार पार्किंग के अंदर, सबसे पहले आपको कार पार्किंग दिखाएंगे। सबसे पहले एक चीज दिखाता हूं, मैंने आपको बताया कि एल कॉर्नर का मकान है, तो साइड में भी आपको विंडो यहां पर मिल जाती है, देखिए तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपको इस घर के अंदर मिलेगा दोस्तों।
किचन में भी विंडो मिल जाएगी और आपके बाथरूम के अंदर भी आपको दोस्तों यहाँ पर विंडो देखने को मिलेगी। कार पार्किंग में देखिए पूरा ग्रेनाइट मार्बल का वर्क पूरी फ्लोरिंग पर आपको दोस्तों देखने मिलेगा। बड़े साइज की कार पार्किंग है। अगर कार आप घर के बाहर ही पार्क कर लेते बिकॉज गली यहाँ से ओपन नहीं है, क्लोज है, तो कार पार्क बाहर करने की साइड और उसके बाद अंदर की साइड में आप अपनी यहाँ पर एज ए बैठक इस एरिया को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर घर के अंदर काफी स्पेस, 2 से 3 फैमिली बहुत आसानी से रह पाएंगे बिकॉज ये 18x25 की डायमेंशन में ये मकान रहने वाला है, जिसमें नक्शा काफी अच्छा दोस्तों देखने को मिल जाता है। पार्किंग के साइडों में आप देखेंगे तो पूरा टाइल वर्क जो कि हाई ग्लोसी ही रहने वाला है, ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में ब्लैक कलर का बॉर्डर यहाँ पर दिया गया है, तो सारी पार्किंग के अंदर आपको टाइल वर्क देखने को मिलेगा। और इसी साइड में आपके दिल्ली जल बोर्ड के वाटर के कनेक्शन आएंगे। समरसिबल आपका ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पोर्शन में समरसिबल इंस्टॉल्ड है जो कि इस पोर्शन में रहने वाला है। यहाँ पर समरसिबल आपका इंस्टॉल्ड रहने वाला है, समरसिबल लगा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड के जो वाटर के कनेक्शन होंगे वो स्टेयर के नीचे आ जाएंगे आपके दोस्तों इस पोर्शन के अंदर। मोटर सेंक्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर फॉल सीलिंग का एक डिजाइन भी दोस्तों आपको दे दिया गया है। देखेंगे तो फॉल सीलिंग देखिए तो यहाँ पर फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल गया। फैन हम अपनी तरफ से आपको लगाकर ही देने वाले दोस्तों इस पोर्शन के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों एलईडी का ऑप्शन मिल जाता है सेंटर में, और इसके साइडों में अभी कॉब लाइट लगना दोस्तों बाकी है। ये चीज सारी फैसिलिटी दोस्तों आपको प्रॉपर करवा कर देंगे। स्टेयर जो है हमारी इस पोर्शन से रहने वाली है। स्टेयर में पूरा एसएस का ग्रिल दोस्तों काम सारा कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट इसमें फिनिशिंग हो चुकी है। कुछ अपनी मर्जी से आप करवाना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, वो भी करवा सकते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा ना फिनिशिंग का काम चल रहा है। एसएस की ग्रिल आपकी ग्राउंड से लेकर पूरी टॉप तक लगाकर दे रहे हैं, और पूरी स्टेयर के अंदर आपको ग्रेनाइट मार्बल का वर्क भी दोस्तों देखने को मिलेगा। हाउस अंदर से एक बार दिखाते हैं, जहां पर पार्किंग के बाद आपका रेजिडेंशियल होता है, यहां पर वन रूम सेट आपको मिल जाता है। देखेंगे इस पोर्शन में वन रूम सेट आपको मिलेगा दोस्तों। नीचे फ्लोरिंग पर हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल का वर्क रहने वाला है, जो कि स्क्रैचलेस टाइल्स आपको व्हाइट कलर में दोस्तों लगा कर दे रहे हैं, जो कि हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल स्क्रैचलेस मिल जाती है। इस रूम के अंदर दोस्तों आपको किचन इन बिल्ड मिलने वाला है। किचन इस पोर्शन में रहेगा, ये हम दरवाजा बंद कर देते हैं। किचन आपको यहाँ पर इनबिल्ड मिलेगा इस पोर्शन में। देखेंगे तो ओपन किचन आपको मिल जाता है दोस्तों। नीचे का किचन आपको बिल्कुल सिंपल दे रहे हैं, जिसमें आपको स्लैब यहाँ पर डाल के दे दिया है दोस्तों। नीचे स्पेस है, ऊपर साइडों में टाइलिंग वर्क मिल जाता है दोस्तों, और सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको दोस्तों इस पोर्शन में देखने को मिल जाती है। और लाइटिंग ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इस पोर्शन में आपको ट्यूबलाइट एलईडी दोस्तों यहाँ पर लगा कर दिए, तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। नीचे की जो किचन है हमारी वो नॉर्मल रहेगी, ऊपर आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगा बिकॉज अगर रेंटेड पर्सन आप नीचे की साइड में रखते हैं तो उनके लिए किचन होना कंपलसरी है। इस साइड में एक बाथरूम भी मिल जाता है दोस्तों। बाथरूम देखेंगे, पूरा टाइलिंग देखेंगे, एंड टू एंड हाई ग्लोसी टाइल्स और हाई लाइट टाइल्स मिक्स करके पूरी लगाई गई है, वॉल टू वॉल पूरी कनेक्ट की हुई टाइल। और सामने विंडो उस साइड में भी मिल जाती है आपको, तो यहाँ पर भी प्रॉपर आपको वेंटिलेशन इस बाथरूम के अंदर भी दोस्तों देखने को मिलता रहेगा। ये ग्राउंड का पोर्शन हो गया दोस्तों। ऊपर एक बार फॉल सीलिंग नजर आई है, तो यहाँ पर एक छोटी सी फॉल सीलिंग भी आपको दोस्तों बनाकर दे दी गई है, जिसमें इस पोर्शन में भी फैन लगा कर देंगे। एलईडी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और कोव लाइट भी हम यहाँ पर लगाकर आपको देने वाले हैं। और जो हमारा दूर से रहने वाले हैं, वुडन के बोथ साइड माइका वर्क के साथ लैमिनेटेड डोर दोस्तों काफी मजबूत आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो कि साउंडलेस डोर आपको मिलते हैं, और बेस्ट लॉकिंग सिस्टम के साथ ये हमारे डोर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों ग्राउंड का पोर्शन हो गया, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, ऊपर चलते हैं। ऊपर 2 BHK आपको दोस्तों देखने मिलेगा, तो यहां से हम स्टेयर से अपनी ऊपर की मंजिल पर चलते हैं और ऊपर का पोर्शन आपको दोस्तों दिखा देते हैं। तो आ चुके हैं दोस्तों अपनी ऊपर की मंजिल पर। ये मैं अभी अपने बालकनी के एरिया के अंदर खड़ा हूँ, जो कि स्टेयर के साथ कनेक्ट रहने वाली है। यहाँ पर आपको एसएस की ग्रिल मिल जाती है दोस्तों। पूरा इस एरिया का जो लुक है ना, वो हमने एक डीडीए सोसाइटी की तरह रखा गया है दोस्तों, जिससे कि आपको जो है डीडीए की फील आए यहाँ पर। और यहाँ पर एसएस की ग्रिल आपको मिल जाती है, और साइडों में आप देखेंगे पूरा टाइल वर्क हाई ग्लोसी दोनों साइड में वॉल टू वॉल कनेक्ट आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। और एसएस की ग्रिल मैंने आपको बताई कि यहाँ से लेकर पूरी ग्राउंड से लेकर पूरी टॉप तक आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ अच्छी कि ऊपर का जो रेजिडेंशियल आपका रहने वाला है, जो रिहाइश यहाँ पर आप करेंगे, वो पूरा सेपरेट रखा गया है। नीचे के रेंटेड पर्सन होंगे तो डायरेक्ट अपना रूफ पर भी जा सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ अच्छी आपको मिल जाती है कि नीचे भी इंडिपेंडेंट है, ऊपर भी इंडिपेंडेंट हाउस है, जमीन भी आपकी है, छत भी आपकी है, पूरा घर इंडिपेंडेंट बनाया गया है। यहाँ से सेपरेट एंट्री है दोस्तों। इस पोर्शन में आपको सबसे पहले जो गेट मिलता है, तो यहाँ पर वुडन का आपको सेम गेट मिलता है, बहुत सारी माइका वर्क के साथ लैमिनेटेड डोर्स यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। और डोर फ्रेम्स हमारे सारे एमएस के दोस्तों रहने वाले हैं। इस पोर्शन में जब आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक बड़ा सा लिविंग एरिया आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। देखिए काफी बड़ा लिविंग एरिया, जैसे कि आप देख रहे हैं तखत लगा हुआ है, तो यहाँ पर अपना सिंगल बेड लगा सकते हैं, सोफा सेट एल कॉर्नर का लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर स्पेस काफी अच्छा रहने वाला है इस लिविंग एरिया के अंदर। और यहाँ पर ठीक सामने जहाँ आपका सोफा सेट आएगा, एक टीवी पैनल दोस्तों आपको लगाकर दे रहे हैं, जो कि वुडन में ही रहने वाला है। एक छोटी शेल्स ऊपर मिल जाती है, नीचे छोटे छोटे शेल्स आपको ड्रॉर्स के साथ यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। सारे ड्रॉर्स आप देखेंगे इस पोर्शन के अंदर, ड्रॉर्स वगैरह आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर सामान रखने की प्रॉब्लम ना हो। पावर स्विचेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, 40 इंच का प्लस एलईडी टीवी यहाँ पर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको मिल जाता है, जिसमें एलईडी का वर्क मिलेगा आपको, कोवलेट का वर्क मिलेगा, और फैन तो हम अपनी तरफ से लगाकर ही देने वाले हैं। और इस बालकनी के अंदर, सॉरी इस लिविंग एरिया के अंदर
सामने आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिल जाती है इसी पोर्शन के अंदर। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो निकाल दी गई, तो यहाँ पर एग्जॉस्ट लगाना चाहता है एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। वैसे तो प्रॉपर वेंटिलेटेड हाउस है क्योंकि एलकोरन का है, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगी। लाइट जाने के बाद भी यहाँ पर आपको प्रॉपर नेचुरल लाइट भी दोस्तों देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से ओपन रहने वाला हाउस। ये आपकी बड़े साइज की किचन देखिए, किचन काफी बड़ी रहने की। किचन की अगर साइज की बात करूँ तो दोस्तों, लंबाई की अगर बात करूँ तो समथिंग आपको जो लंबाई मिलती है वो 9 फीट लंबाई आपको इस किचन के अंदर देखने मिलती है। चौड़ाई की अगर बात करो तो 7 फीट चौड़ी आपकी किचन रहने वाली है, 7 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी रहने वाली है। किचन में काफी ज्यादा स्पेस रहने वाला है। इसी पोर्शन में सारे आपके बॉक्सेस देखिए, तो सारे लैमिनेटेड बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं इस पोर्शन के अंदर। और यहाँ पर इस पोर्शन में हमने चिमनी का स्पेस निकाला है, तो यहाँ पर आपको चिमनी लगाकर हम लोग अपनी तरफ से देने वाले हैं। इसी साइड में आपकी चिमनी आ जाएगी दोस्तों। और नीचे के पोर्शन में जो सारे ड्रॉर्स मिलते हैं दोस्तों, जिसमें आपको आटा बास्केट मिलती है, प्लेट बास्केट मिलती है, कटलरी बास्केट मिल जाती है। और उसके बाद सिंक की बात करें तो स्पेशलाइज कि यहाँ पर सिंक आपको जो है डबल मिलते हैं, जिसमें एक साइड बर्तन आप धो सकते हैं और दूसरी साइड सुखा सकते हैं। इस साइड आपके बर्तन धुल जाएंगे, इस साइड में सुखाने के लिए रख सकते हैं। सामने जो टैप्स होंगे सारे ब्रांडेड कंपनी के देखने मिलेंगे। और आरओ का प्रोविजन भी आपका यहीं रहने वाला है, इसी साइड में आप अपना आरओ भी लगाना चाहते हैं तो आरओ भी लगा पाएंगे। व्हाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, और ऊपर हाई ग्लोसी मार्बल दोस्तों आपके यहाँ पर डबल स्लैब दोस्तों एल कॉर्नर पे देखने को मिल जाएगा। इस पोर्शन में दोस्तों स्लैब जो मिलता है, स्लैब में आपको इस पोर्शन में सारे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट आपके यहीं रहने वाले हैं, यहीं से आप अपना होम अप्लायंसेस चला सकते हैं। और एक पावर स्विच आपको इस पोर्शन में देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर मिक्सी वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। साइडों में पूरा टाइल वर्क दोस्तों हाई ग्लोसी मिलने वाला है पूरी किचन के अंदर दोस्तों। और इसी साइड में आपकी शाफ्ट रहने वाली है, शाफ्ट पे एक बार नजर लगवाते हैं तो शाफ्ट रहने वाली, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन भी आपको दोस्तों इस किचन के अंदर देखने को मिलता रहेगा। प्लस इसी पोर्शन में एक पावर स्विच हमने दिया है, तो इस जगह को यूटिलाइज किया है कि यहाँ पर आप अपना एक फ्रिज अगर बड़े साइज का रखना चाहते हैं, हाइट अगर लंबी हो चौड़ी हो, तो यहाँ पर आप अपना एक फ्रिज भी इंस्टॉल कर पाए दोस्तों। और फ्लोरिंग पर सारा हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल का वर्क पूरी फ्लोरिंग पर आपको जो है 2x4 के साइज में स्क्रैचलेस टाइल दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब वन रूम सेट हमारा यहाँ रहेगा जो कि मास्टर बेडरूम पर रहने वाला है। अभी इसमें जो वॉलपेपर्स लगना बाकी है दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन अगर आप करवाना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, ऑप्शनल रहने वाला है बिकॉज अभी ये न्यूली बिल्ट है, अभी इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो एक बेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि बाथरूम के साथ अटैच रहने वाला है। एल कॉर्नर के होने के कारण यहाँ पर भी आपको एक विंडो मिल जाती है, देखेंगे विंडो में आयरन की ग्रिल मिल जाती है दोस्तों। आउट साइड में अंदर की साइड में दो विंडो मिलती है जिसमें आपको ग्लास का वर्क मिलने वाला है दोस्तों, देखेंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन। एक बार कैमरा यहाँ लेके आइए तो प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा और सामने पूरा देख लेंगे ग्रीनरी रहने वाली है। सारे पेड़ वगैरह आप देखेंगे तो पेड़ वगैरह सारे लगे हुए हैं आपको यहाँ पर, प्रॉपर वेंटिलेशन आपको प्योर वेंटिलेशन जैसे कि हम लोग बोलेंगे, तो क्योंकि सामने आपके जितने पेड़ हैं, पेड़ हमें जो पूरी ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ पर पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगी। फ्लोरिंग पर सारा हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल कवर भी दोस्तों देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी 2x4 के साइज में हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल कवर दोस्तों देखने को मिल जाता है। और इस साइड में आ जाता है हमारा एक बाथरूम। बाथरूम हमारा यहाँ पर किस टाइप में बनाया गया, एल शेप में बनाया गया दोस्तों यहाँ पर, जिसमें सारा आपको जो है टाइलिंग वर्क मिलेगा दोस्तों। टाइलिंग वर्क पूरा एंड टू एंड रहने वाला, नीचे हाईलाइट टाइल्स लगाई गई है और ऊपर हाई ग्लोसी टाइल्स का वर्क देखने को मिलेगा। ये किचन ये बाथरूम हमारा एल शेप में रहने वाला है। यहाँ पर भी आप अपना कोई टैप टूटी शावर वगैरह सारे ब्रांडेड मिलेंगे दोस्तों। अगर आप यहाँ पर अपना बाथरूम में इसमें आते हैं तो दोस्तों इंग्लिश पॉट यहाँ पर लगा कर देंगे हम लोग आपको। सारे जो इसमें सैनिटरी फीचर्स होंगे, गीजर के पॉइंट की फिटिंग होगी, वो सारे ब्रांडेड ही दोस्तों आपको लगाकर हम लोग देने वाले हैं दोस्तों। और इसकी जो वेंटिलेशन होगी वो आपके शाफ्ट के थ्रू पास होने वाली है, एग्जॉस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि बैक साइड में आपने देखा था किचन है, किचन के साथ शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहने वाली है, तो यहीं से आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन भी दोस्तों पास होती रहेगी। अब इस साइड से हम लोग आ जाते हैं हम अपने फ्रंट वाले रूम में। इसी साइड में हमारा फ्रंट साइड का रूम रहेगा दोस्तों, यहाँ पर भी प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा बिकॉज इस साइड में भी विंडो मिलती है। देखिए हर घर में आपको हर कमरे के अंदर आपको विंडोज वगैरह मिल जाती है, तो प्रॉपर वेंटिलेटेड हाउस रहने वाला है। विंडो यहाँ भी है, ऊपर की साइड में विंडो एसी भी लगा सकते हैं। अंदर की साइड में आयरन की ग्रिल है दोस्तों, आयरन की चौखट के साथ। और आउट साइड में जो विंडो रहेगी उसमें ग्लास कवर का आपको हम लोग देने ही वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर भी सारा आपको हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल कवर दोस्तों पूरे रूम के अंदर दोस्तों देखने मिलेगा, जो कि स्क्रैचलेस 2x4 के साइज में यहाँ पर भी टाइल्स लगाई गई हैं। और ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन यहाँ पर भी दोस्तों देखने को मिल जाता है, जो कि सर्कल शेप में नहीं, यहाँ पर स्क्वायर शेप में रहने वाला। फैन हम अपनी तरफ से ब्रांडेड आपको लगाकर देने वाले, चारों तरफ एलईडी मिलेगी दोस्तों। और इनर साइड में इसमें अपना कॉबलाइट अपनी मर्जी से चूज करके लगा सकते हैं। और कोई भी वॉलपेपर अगर आप चाहते हैं अपने घर के अंदर लगवाना, या फिर कोई टेक्सचर वर्क चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी चाहते हैं वो आपको करवा कर दिया जाएगा दोस्तों। वो 3D हो, कस्टमाइज वॉलपेपर हो, जैसा चाहते हैं आप अपनी मर्जी से यहाँ पर वॉलपेपर लगा सकते हैं। और जो डोर्स रहने वाले सारे मैंने आपको बताया कि बोथ साइड माइका वर्क के साथ आपको मिलेंगे। इसके फ्रंट साइड पे भी माइका रहने वाला है दोस्तों, और उसके बाद बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में भी माइका सेम ही रहने वाला है। वुडन के काफी मजबूत डोर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये हो जाता है पूरा यहाँ का पोर्शन। अब चलते हैं रूफ पर। रूफ पर जाने से पहले इसका प्राइस जान लीजिए। प्राइस इसका रहने वाला है 55 लाख रुपए। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोनेबल है, फाइनेंस करवाकर ले सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं रूफ पर, यहाँ से हम अपनी स्टेयर की तरफ चलेंगे और स्टेयर से अपना रूफ का पोर्शन आपको दिखा देंगे।
यहाँ से आप अपने रूफ पर आ चुके हैं। रूफ के पोर्शन ममटी का देख लीजिए, ये ममटी रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको विंडो दी हुई है, तो ममटी में भी प्रॉपर वेंटिलेशन दोस्तों आपको मिलेगी। और पूरी स्टेयर में ग्रेनाइट मार्बल पूरा रूफ तक लगाया गया है, और एसएस के ग्रिल भी दोस्तों पूरी यहाँ तक मिलती है। और इसी साइड में आप अपना स्टोरेज को स्पेस बना सकते हैं, यहाँ पर अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक पावर स्विच आपको दे दिया जाता है। देखिए तो यहाँ पर पावर स्विच मिल जाता है, तो यही इन्वर्टर सेंक्शन आपका हो जाएगा। अपना इन्वर्टर यहाँ लगा सकते हैं, एक आयरन का गेट आपकी सिक्योरिटी के लिए मिल जाता है। और उसके बाद हमारी आती है प्रॉपर वेंटिलेटेड रूफ। जब हम अपनी रूफ पर आते हैं ना दोस्तों, असली जिंदगी का मजा आपको आपकी रूफ के ऊपर देखने को मिलता है। रूफ पर स्पेस भी है, आप 50 60 70 बंदों की गैदरिंग अपनी रूफ के ऊपर ही कर सकते हैं, इतना स्पेस है। और गली तो बंद है ही दोस्तों, आराम से यहाँ पर गली के अंदर भी टेंट लगा के अपनी कोई भी घर में कोई पूजा पाठ का कोई भी काम आप करवाना चाहते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने घर के अंदर कर सकते हैं। कोई गार्डन वगैरह बुक करने की जरूरत नहीं है। और चारों तरफ देखेंगे तो पेड़ सारे आपको देखेंगे, तो सारी हरियाली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्रॉपर वेंटिलेशन आपको यहाँ पर आपकी रूफ पर भी और आपके घर पर भी दोस्तों देखने को मिलेगी। सारे मकान एक साथ बनाए गए थे दोस्तों, सारे इसमें सोल्ड आउट हो चुके हैं, एक पीस बचा है, इसलिए मैं आपको जो बजट बताया है उस बजट के अंदर दे रहा हूँ दोस्तों। वैसे ये मकान सारे के सारे हमने जो है यहाँ पर 60 प्लस सेल आउट किए हैं दोस्तों, तो ये मकान सबसे सस्ता आपके बजट में लास्ट पीस रह गया है। जल्द से जल्द सामने दिए गए नंबर पर कॉल करें और इसको बुक कर लें। ऐसा मकान जो होता है ना दोस्तों, बहुत कम उत्तम नगर मोहन गार्डन की लोकेशन में इस बजट के अंदर लोगों को मिलता है, लेकिन जिस बजट में आपको दे रहा हूँ दोस्तों, इस बजट में आपको मकान इस लोकेशन में 50 गज का, वो भी 18x25 की डायमेंशन में ऐसे नक्शे के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। देखिए रूफ पर कितना स्पेस है, पूरा टाइलिंग वर्क रहने वाला है। और स्प्लिट एसी का जो प्रोविजन है मैंने आपको नीचे के पोर्शन में दिखाया नहीं, उसकी आउटडोर फिटिंग आपकी यहाँ रहेगी। देखिए तो जो ऊपर का पोर्शन होगा यहाँ पर सारा आपका आउटडोर फिटिंग, यानी कि मशीन जो आउटसाइड लगती है एसी की, वो यहाँ पर आ जाएगी। और वाटर टैंक आप देखेंगे ऊपर, यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड मिलने वाला है। और पूरा वेदर देखिए, पूरा प्रॉपर वेंटिलेटेड आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाउस हमारा बहुत खूबसूरत है, लग्जूरियस है, ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, रजिस्टर्ड है, लोनेबल है, उत्तम नगर दिल्ली मोहन गार्डन दिल्ली 59 के अंदर नियर बाय द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, ये प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। कोई भी क्वारी दोस्तों क्या करना है आप जानते हैं, सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, जल्द से जल्द सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपने मकान पर विजिट करें, अपने घर पर उसकी दोस्तों तैयारी करें। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।